हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये तीनों पॉपी और उसका मदर है। और पॉपी को जो 5 डे हुआ था तब से मेरा साथ है, और इनको मैं रात को खाने के लिए राइस देता हूँ, सुबह बिस्किट देता हूँ। और ये जो बच्चे को आप देख सकते हो, उसका नोजल ट्यूमर हो गया है, और जिसकी वजह से थ्रोट भी इन्फेक्शन हो गया है, और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है। देख सकते हो कितने बुरी हालत में है, और जब भी खाना खाता है उसका गले में अटक जाता है, और ऐसा ही होता है। और मैं डॉक्टर के साथ कंसल्ट किया था, और मेडिसिन भी दे रहा हूँ खाने के लिए, और मेडिसिन कंटिन्यू दे रहा हूँ खाने के लिए। और देख सकते हो बच्चे कितना बुरी हालत में है। और ये जो पॉपी है, और जब भी मैं बैग लेके जाता हूँ मेरे बैग के पीछे भागते हैं, और रात को मैं उसको खाने के लिए राइस देता हूँ। हे बेटा, ऐसा मत हो, रुक जाओ। मेरे बच्चे को आप देख सकते हो बहुत बुरी हालत में है फ्रेंड्स। तो अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ बच्चे को ब्लेसिंग दीजिए और ठीक ठाक हो जाए। और अभी रात 9 बज गया है। बेटा खा लो खा लो, मैं जा रहा हूँ बेटा। हेलो, और जो बच्चे का नज़ल ट्यूमर हो गया है, मैं बीच बीच में आपको अपडेट देता रहूँगा। और मैं पहले भी उसका वीडियो छोड़ चुका हूँ, आपने बहुत सारी ब्लेसिंग दिया था जिसकी वजह से आज भी ठीक ठाक है। और देख सकते हो खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहा है, और जिसकी वजह से देखिए यहाँ जाके उल्टी कर रहा है झाड़ी में। तो फ्रेंड्स, बच्चे को ब्लीचिंग दीजिए, ठीक ठाक हो जाए। और मैं डॉक्टर के साथ कंसल्ट भी कर रहा हूँ और मेडिसिन भी दे रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ पे आके बैठ गया है, और ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहा है। बेटा ठीक हो जाएगा है बेटा? ओ हेलो बेटा, ओ हेलो, ठीक ठाक हो जाएगा, ठीक है, मेडिसिन खा रहे तुम ठीक हो जाओगी।